इंग्लैंड वुमन्स वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वुमन्स के बीच में जो T20 आई होगा, इसका हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आप हर एक फैंटेसी मैच का काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, जो इंटरनेशनल मैचेस होती बड़ी बड़ी, उनका एनालिसिस तो आपको सब जगह पर मिल जाता है, लेकिन जो डोमेस्टिक मैचेस है उनका डेटा भी आपको परफेक्ट लाइनअप पर मिलता है। अगर आप फैंटेसी खेल रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके परफेक्ट लाइनअप इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, देखो पहले तो वेनवेंट पिच रिपोर्ट, मैच होगा कहाँ पे, कौन से टॉप प्लेयर्स थे जो इस वेन्यू पे अच्छा करके जाते, आगे हम यहाँ पर दोनों टीम्स का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 होता है उसकी तरफ चलेंगे। उसके बाद ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग की टीम्स हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले। देखो, टीम क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम टीम क्रिएट करते हैं तो उसके बेसिस क्या है, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम प्लेयर का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है, उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड, उनके वेन्यू रिकॉर्ड, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, कौन से डेथ बॉलर से, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी टीम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। उसके आगे हम यहाँ पर सीधा सीधा जो हमारी उसके बाद आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसे देनी है, इस सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये जो मैच है इसकी जो फाइनल टीम है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी आपको परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पर। और इसका जो लिंक है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते, तो आप अभी कर लीजिए और हम इस एनालिसिस में यहाँ पर आगे बढ़ते। पहले तो हम वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट पर आ चुके हैं। मैच होगा यहाँ पर केनिंगटन ओवल पे। तो जो केनिंगटन ओवल का जो स्टेडियम है उसके ग्राउंड डाइमेंशंस आपके सामने, देखो जो साइड बाउंड्रीज होती है यहाँ पर वो आपको 67 मीटर्स की यहाँ पर दिखाई देंगी, और जो फ्रंट बाउंड्रीज होती है वो यहाँ पर 70 मीटर्स की होती है। थोड़ा नीचे चल लेते, देखिए वेदर अगर हम देखें ना तो लगभग क्लियर ही होगा, ह्यूमिडिटी आपको यहाँ पर 94% की दिखाई देगी। ओके, अगर आप बैटिंग और बॉलिंग का रेशो यहाँ पर कंपेयर करोगे इस वेन्यू पे, तो आपको बैट्समैन जो है वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई देंगे, आप देख सकते हो रेशो बैटिंग बॉलिंग का। अब जो फर्स्ट इनिंग होती है इसमें बैट्समैन से अच्छा करके जाते हैं, और चेजिंग में उनका जो रेशो होता है वो और भी झुक जाता है बैटिंग की तरफ। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखो फर्स्ट इनिंग में लगभग 182 का स्कोर यहाँ पर बनता है, जो कि एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्कोर है, और हर इनिंग में लगभग 6 विकेट के आसपास यहाँ पर गिर जाती है। तो यहाँ पर क्लियर है हाई स्कोरिंग एक राउंड होने वाला है आपके लिए, तो बैट्समैन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहिए। बाकी अगर आप पेसर्स और स्पिनर्स का रेशियो देखोगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पेसर्स कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर करते हैं स्पिनर्स के मुकाबले। अगर आप बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग का रेशियो देखोगे तो इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जो टीम अच्छा करेगी वो जीत जाएगी, लेकिन चेजिंग यहाँ पर 60% मैचेस जीती हुई है चेजिंग टीम। लेकिन इनकेस अगर कोई टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देती 200 क्रॉस, तो यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि बैटिंग फर्स्ट टीम ही जीते। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते, तो देखिए हम यहाँ पर लास्ट के जो कुछ मैचेस है जो इस वेन्यू पे खेले गए हैं इनके ऊपर चल लेते, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो मैच है किस दिशा में जा सकता है। ठीक है, सरे वर्सेस एसेक्स के बीच में लास्ट मैच खेला गया था इसी स्टेडियम पर, तो इस मैच में हुआ क्या था, देखो सरे ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 195 का टारगेट दिया था एसेक्स की टीम को, जो उन्होंने चेस डाउन कर लिया था। ठीक है, आप क्लियर कट देख सकते हो, इतना बड़ा स्कोर बन के भी यहाँ पर चेस डाउन हो गया है, विकेट भी अच्छी खासी गिरी थी, ऐसा नहीं है कि बॉलर्स को कुछ नहीं है, 6/7 विकेट्स भी गिरी थी, अच्छा खासा स्कोर भी यहाँ पर बना था। अगर आप रेशो कंपेयर करोगे बैटिंग बॉलिंग का, तो बैट्समैन आपको इस मैच में इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। उससे पहले सरे वर्सेस सॉमरसेट के बीच में एक मैच हुआ था, इस मैच में भी हाई स्कोरिंग ये गया था, सॉमरसेट ने 208 रन का यहाँ पर स्कोर बना दिया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, फिर सरे की जो टीम थी वो उसे चेस डाउन नहीं कर पाई थी, लेकिन चेस डाउन करते हुए फिर भी उन्होंने 190 का जो स्कोर था वो यहाँ पर बना लिया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा स्कोर होता है। तो चेजिंग में भी यहाँ पर स्कोर बन जाता है, बैटिंग बॉलिंग का रेशो कंपेयर करोगे तो फिर से आपको यहाँ पर बैट्समैन इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। अब इस मैच में देखना आप क्या हुआ था, देखो ये मैच आपको काफ़ी कुछ आइडिया दे के जाएगा कि कितना पाटा पिच यहाँ पर होता है। जो मिडल सेक्स की टीम थी उन्होंने यहाँ पर 252 का स्कोर चेस डाउन कर लिया था। ठीक है, 252 का स्कोर T20 मैच था ये। ठीक है, तो क्लियर है 250 का स्कोर भी यहाँ पर चेस डाउन हो जाता है ना। और सरे की जो टीम थी उन्होंने 252 का टारगेट दिया था अपने आप में, फिर भी उससे डिफेंड नहीं कर पाए थे, और मिडल सेक्स ने सिर्फ अपने 3 विकेट्स गवा के इतने बड़े स्कोर को चेस डाउन कर लिया था।
इस मैच में अगर आप बैटिंग बॉलिंग का इशू देखोगे तो बैट्समैन ने यहाँ पर बॉलर्स को खड़ा भी नहीं रहने दिया था, ठीक है, पूरी तरीके से डोमिनेट करा था। अब उससे पहले फिर से एक हाई स्कोरिंग मैच, सरे ने 238 रन यहाँ पर बना दिए थे और जो ग्लैमर वन की टीम थी वो उसे चेस डाउन नहीं कर पाई थी। देखिए वुमेंस के मैचेस है आमतौर पे 20-25 रन कम बनते हैं मेंस के मैचेस के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर आप देखना एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, एक तरफ इंग्लैंड की टीम है, और ये दोनों की दोनों टीमें ना ऐसी है कि अटैकिंग मैनर में क्रिकेट खेलती भले ही वो वुमेंस की टीम्स क्यों ना हो। तो यहाँ पर आप मान के चलिए आपको यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग वेन्यू दिखेगा ये, और आपको उस हिसाब से जो अपनी टीम है वो क्रिएट करनी है। अब वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट का हमने जो छोटा सा छोटा एस्पेक्ट था यहाँ पर कवर कर लिया है, अब हम दोनों टीम्स का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है इसकी तरफ चल लेते हैं। पहले तो हम स्क्वाड देखेंगे, उसके बाद हम पिछले मैच में दोनों टीम्स का क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 था उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से प्लेयर अपने टीम में रखने और कौन से प्लेयर अपने टीम से हटाने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले तो हम स्क्वाड के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, इस मैच में स्क्वाड होने क्या वाला है। तो आप देख सकते हो स्क्वाड में पहले तो इंग्लैंड वुमेंस की जो टीम है उनका देख लेते हैं। सोफिया डंगली, सोफी इकलस्टोन, एमी जोन्स, सारा ग्लेन, नेटेल स्कीवर, लॉरेन बेल, हीदर नाइट, एलिस कैप्सी, डैनियल बैट, आय वॉन्ग, लॉरा विनफील्ड, यम बाउचर, डी गिब्सन, थ्रेया डेविस, चार्लोट डीन और केट क्रॉस, ये क्या है। यहाँ पर पूरा स्क्वाड इंग्लैंड वुमेंस का फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की तरफ से अगर हम स्क्वाड देखें तो ताइला मैकग्रा, जिस जोनासन, एशली गार्डनर, बेथ मुनी, मेगन शर्ट, एलिसा पेरी, अनाबेल सदरलैंड, एलिसा हेली, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वेरहाम, डार्सी ब्राउन, किम गार्थ, पोर्टी लिचफील्ड और एलना किंग, ठीक है, इनकी तरफ से पूरा स्क्वाड होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो जो लास्ट मैचेस है दोनों टीम्स की वो एक बार देख लेते तो हमें बैटिंग ऑर्डर का भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेलता है, तो हमें टीम बनाने में आसानी होगी। अब हमें इसके लिए टीम हेड टू हेड फीचर में चलना है, ठीक है, तो हम टीम हेड टू हेड फीचर में आ चुके। पहले तो हम जो हमारी इंग्लैंड वुमेंस की जो टीम है उनका देख लेते, और आप यहाँ पर देख सकते हो जो इंग्लैंड वुमेंस की टीम है इनकी तरफ से पिछले मैच में T20 जो मैच हुआ था ओपनिंग करने आई थी डैनियल बैट सोफिया डंगली के साथ, वन डाउन आई थी एलिसा कैप्सी, जो मिडल ऑर्डर था इसमें नेटेल स्कीवर, हीदर नाइट, एमी जोन्स, सोफी इकलस्टोन और कैथरीन ब्रंट, इनका मिडल ऑर्डर था। और जो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखोगे ना, नेटेल स्कीवर ने 34 बॉल्स में 40 रन बनाए थे, हीदर नाइट 25 बॉल्स 31 रन, सोफिया डंगली 16 बॉल्स 28 रन और डैनियल बैट 30 बॉल्स 34 रन, ठीक है। तो ये कुछ परफॉर्मिंग प्लेयर्स थे। बॉलिंग से देख लेते इंग्लैंड वुमेंस का क्या है यहाँ पर रहा था, तो देखिए बॉलिंग सेक्शन में कैथरीन ब्रंट, लॉरेन बेल, सोफी इकलस्टोन, चार्ली डीन, नेटेल स्कीवर और सारा ग्लेन, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस थी। इसमें भी परफॉर्मेंस वाइज सोफी इकलस्टोन ने 3 विकेट्स निकाली थी और पूरे ओवर्स किसने कराए थे, कैथरीन ब्रंट, सोफी इकलस्टोन और बाकी चार्ली डीन, नेटेल स्कीवर, सारा ग्लेन और लॉरेन बेल, यहाँ पर 3-3 ओवर्स करा के गई थी। तो ये बैटिंग बॉलिंग से यहाँ पर इंग्लैंड की टीम रही थी पिछले मैच में। अब जो हमारी सेकेंड टीम है ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की वो देख लेते, तो यहाँ पर देखो एलिसा हेली ओपन करेंगे बेथ मुनी के साथ, वन डाउन आएंगे एशली गार्डनर, इनकी तरफ से अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे तो इसमें क्रेस हैरिस, मेग लैनिंग, एलिसा पेरी, जॉर्जिया वेरहाम और ताइला मैकग्रा आपको इनकी तरफ से मिडल ऑर्डर दिखाई देगा। परफॉर्मेंस वाइज बेथ मुनी ने 53 बॉल्स में 74 रन बनाए थे पिछले मैच में, ठीक है, देन एशले गार्डनर 29 और एलिसा हेली 18, ठीक है, तो यही प्लेयर्स चली थी। और नीचे अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे ना तो कोई भी प्लेयर कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, फिर भी 156 का स्कोर इस टीम ने बना लिया था। बॉलिंग से अगर आप ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की टीम को देखोगे तो यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास कौन कौन से, देखो दोनों जो टीमें ना उनमें 7 या 8 ऐसे प्लेयर है जो बॉलिंग करा के जा सकते हैं, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन से प्लेयर है जो पूरे 4 ओवर्स करा के जाएंगे। अगर किसी अच्छे बॉलर का दिन भी खराब होता है ना तो उसके ओवर फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अदर बॉलर्स में, ठीक है। तो आप देख लेना मेगन शेट, एशले गार्डनर, डार्सी ब्राउन, एलिसा पेरी, जिस जोनासन, जॉर्जिया वेरहाम और ताइला मैकग्रा, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम में। तो पूरे 4 ओवर्स किसने कराए थे पिछले मैच में, मेगन शेट, एशले गार्डनर, डार्सी ब्राउन, पूरे 4 ओवर्स करा की गई थी, उसके बाद जिस जोनासन ने 3 ओवर्स कराए थे और एलिसा पेरी, जॉर्जिया वेरहाम और ताइला मैकग्रा ने
यहाँ पर मिल के 5 ओवर्स डाले थे इन्होंने, ठीक है। इसमें भी इकोनॉमी जॉर्जिया वेरहम का बहुत ज़्यादा था, इसलिए 2 ओवर्स इनको मिली, नहीं तो आमतौर पर अपने पूरे ओवर्स का कोटा कंप्लीट करके जाती है। तो ये रहा है इनका दोनों टीम्स का प्रोबेबल प्लेइंग 11 और कौन से बॉलिंग ऑप्शंस थे जो पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग करी थी, स्क्वाड हमने देख लिया है। तो आपको एक क्लैरिटी तो यहाँ पर मिल गई है कि आपकी जो एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो क्या होती है, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे ना 70 से 80% यही होगी, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, ये सब आपको टॉस के बाद की जो अपडेट्स है उसमें पता चल जाता है। और परफेक्ट लाइनअप को आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में इंस्टॉल इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि टॉस के बाद की छोटी से छोटी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो चिट शीट है उसके ऊपर चलेंगे। अब चिट शीट है क्या, देखो चिट शीट में आप अलग अलग बेसिस पे टॉप 5 प्लेयर्स देख सकते हो, और इस मैच में आपके लिए टॉप 5 प्लेयर्स में कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं तो वो हम देखते हैं। देखिए अलग अलग बेसिस में पहला जो हमारा बेसिस होने वाला है वो है टोटल फैंटेसी पॉइंट्स। अब इसमें रिसेंट फॉर्म वाइज जो प्लेयर अच्छा करके जा रहे हैं उन्हें रैंक वाइज यहाँ पर दिया गया है। पहले नंबर पे बेतमुनी का नाम आपको दिखाई देगा। बेतमुनी यहाँ पर लास्ट 5 मैचेस में से अगर आप देखोगे ना उनके उठा के तो 390 फैंटेसी पॉइंट्स उन्होंने इसमें दिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। उसके बाद सोफिक कस्टोन लास्ट 5 मैचेस में ये 360 फैंटेसी पॉइंट्स देखे गई है। नेटल स्कीवर लास्ट 5 मैचेस 325 फैंटेसी पॉइंट्स। एशले गार्डनर लास्ट 5 मैचेस 303 फैंटेसी पॉइंट्स। मेगान शेट लास्ट 5 मैचेस 293 फैंटेसी पॉइंट्स। सारा ग्लेन लास्ट 5 मैचेस 287 फैंटेसी पॉइंट्स। एमी जोस लास्ट 5 मैचेस 282 फैंटेसी पॉइंट्स। और एलिसा एली लास्ट 4 मैचेस 270 फैंटेसी पॉइंट्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल टॉप प्लेयर्स आपके लिए रहेंगे रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे टॉप 5 प्लेयर्स में आपको कौन से प्लेयर्स दिखाई देंगे इस मैच में। पहला नाम आपको बेतमुनी का दिखाई देगा। देखो इनका 78 फैंटेसी पॉइंट्स का यहाँ पर एवरेज होता है, ठीक है। और T20 फॉर्मेट है, इसमें भी अगर कोई प्लेयर आपको इतना अच्छा एवरेज कैरी करके चल रहा है वो भी लास्ट 5 मैचेस से, तो आपके लिए मस्ट हैव कैटेगरी का होगा। बेतमुनी हमारे टीम में रहेंगी, हमने इन्हें यहाँ पर सिलेक्ट भी कर लिया है, ठीक है। देखो आप जब परफेक्ट लाइनअप पे किसी मैच को देख रहे होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को वही के वही आप सिलेक्ट कर सकते हो, और ये प्लेयर्स आपको एंड में जाके मिलते भी है, और उनसे आप अपनी आसानी से टीम क्रिएट कर सकते हो। यानी आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट बच जाता है, आपको चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना पड़ता, ठीक है। आमतौर पर जब हम किसी यूट्यूब प्रेडिक्शन वीडियो को देखने जाते तो आपको सारी चीज़ों को अपने दिमाग में कलेक्ट करना पड़ता है, उसमें जंबलिंग भी हो जाती है, तो फिर इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और आप फिर एक सब कुछ आपको पता होता है लेकिन आप एक गलत टीम क्रिएट कर लेते हो। तो ये इससे अगर आपको बचना है तो परफेक्ट लाइनअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सोफी एकलस्टोन इनका 72 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज चल रहा है लास्ट के 5 मैचेस से। नेटल स्कीवर लास्ट 5 मैचेस से इनका 65 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज चल रहा है। एशले गार्डनर 60 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज। मेगान शेट 58। सारा ग्लेन 57। एमी जोन्स 56 और एलिसा एली 54, ठीक है। तो हमने जो सारे प्लेयर्स थे उन्हें अपने टीम में क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और ये हमारी कोर टीम का भी हिस्सा रहेंगे 8 प्लेयर्स, ठीक है। बाकी के जो 3 प्लेयर होंगे हमारी 11 टीम में वो तो रोटेट होते रहेंगे, लेकिन ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में आ जाते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए, बेतमुनी, सोफिया एकलस्टोन, नेटल स्कीवर, एशले गार्डनर, मेगान शर्ट, सारा ग्लेन, एमी जोन्स और एलिसा एली, पार्ट ऑफ परफेक्ट लाइनअप। अब एक कंसिस्टेंसी किस प्लेयर में ज़्यादा है उसके बेसिस पे यहाँ पर प्लेयर्स को डिफरेंशिएट किया गया है। पहले नाम पे आपको फिर से बेतमुनी का नाम दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैप्टनसी भी आप उन्हें दे सकते हो। कंसिस्टेंसी लास्ट के 5 में से 5 मैचेस ये ड्रीम टीम में रह चुकी है। सोफिया एकलस्टोन ये भी 5 मैचेस से ड्रीम टीम में रही है। मेगान शेट 5 मैचेस। बाकी ये तीन प्लेयर ऐसे हैं जो 4-4 मैचेस ड्रीम टीम में रहे अपने, एशले गार्डनर, सारा ग्लेन और एमी जोन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेटा स्क्योर और एलिसा एली ये दोनों 3-3 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है। इंग्लैंड की जो टीम है इनकी तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स आपके लिए इस मैच में कौन से होंगे, सोफिया एकलस्टोन, नेटल स्कीवर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स और लॉरेन बेल, ठीक है, ये टॉप 5 प्लेयर्स होंगे। ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की जो टीम है इनकी तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स में बेतमुनी, एशले गार्डनर, मेगान शर्ट, एलिसा हेली और जेस जोनासन का नाम आपको दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा अब नीचे चलते विकेट कीपिंग सेक्शन में, देखो बेतमुनी का नाम ऊपर है, उसके बाद एमी जोन्स का आता है, उसके बाद एलिसा हेली का आता है। वैसे तीनों प्लेयर हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों अच्छे हिटर है, कंसिस्टेंट है, और हमने तीनों को यहाँ पर सिलेक्ट भी कर रखा है। बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे ताहिला मैकग्रा, डैनियल वैट, हिदर नाइट और सोफिया डंकली, ये 4 प्लेयर हमारे टीम में है।
हमने इन्हें सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और देखो सोफिया डंकली और डेनियल वैट, इन्हें आप रोटेशन में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू है और बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू पे ये दोनों प्लेयर्स हमेशा अच्छा करके जाती है। ऑलराउंडर सेक्शन में चलोगे, नेटाइल्स कीवर और एशले गार्डनर, ये दो प्लेयर्स यहाँ पर टॉप में आपको दिखाई देंगे जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है। वैसे एलिसा पेरी, एलिसा कैप्सी और अनाबेल सदरलैंड, ये भी गेम चेंजिंग प्लेयर्स से अपने दिन पे कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस करके जाती है। बॉलिंग सेक्शन में देखोगे तो सोफिया एक्कलस्टोन, मेगान शेट, सारा ग्लेन, जे जोनासन और लॉरेन बेल, ये टॉप बॉलर्स आपके लिए रहने वाले, ठीक है। अब थोड़ा सा चल लेते हम प्लेयर वाइज एनालिसिस की तरफ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा आपके लिए और यहाँ पर आपको पता चलेगा हर एक प्लेयर के बारे में काफ़ी डिटेल में, और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी उस प्लेयर को आपको रखना है नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ आपको कहाँ पे मिलती है? ये आपको मिलती है पावर रैंकिंग फीचर के ऊपर, परफेक्ट लाइनअप के, ठीक है। तो चलिए आपको पावर रैंकिंग के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर क्या होता है, देखो प्लेयर्स को रैंक किया जाता है, जितना प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है उसे उतनी अच्छी रैंक यहाँ पर दी जाती है। रैंक वाइज टॉप प्लेयर्स में आपको पहला मैगरथ का नाम दिखाई देगा, उसके बाद बेथ मुनी, एमी जोन्स, जेस जोनासन, सोफिया डंकली, सोफी एक्कलस्टोन, सारा ग्लेन, मेगान शर्ट, एशले गार्डनर, लॉरेन बेल और डार्सी ब्राउन, इनकी तरफ से यहाँ पर 11 प्लेयर्स होने वाले हैं इस मैच में आपके लिए, ठीक है। अब देखिए आप सिर्फ रैंक के बेसिस पे प्लेयर को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको उस प्लेयर को काफ़ी डीपली समझना होता है, जानना होता है, ताकि एक जो कॉन्फिडेंस होता है, एक जो क्लैरिटी होती है वो आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना उस प्लेयर के आगे, इसके ऊपर क्लिक करना है। ताहिला मैकरथ का देख लेते हैं। देखो ताहिला मैकरथ जो है लास्ट के 10 मैचेस में से 7 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है। बैटिंग फर्स्ट में इनका 58 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज होता है, चेजिंग में ये बढ़कर 63 का हो जाता है। दोनों केसेस में इनका जो फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है ना वो 50 के ऊपर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, अगर आप बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए इनका तो दोनों से देखी जाती है ना, एक अच्छे ऑलराउंडर है। देन हम यहाँ पर इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो 91 लास्ट मैच में 91 फैंटेसी पॉइंट से देखी गई थी, उससे पहले 12, अब उसके आगे की 3 मैचेस देखना आप, 88, 90 और 58, यानी लास्ट के 5 में से 4 मैचेस इनका परफॉर्मेंस ऐसा था कि आप उन्हें टीम में अगर कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर देते तो आप आसानी से जीत जाते। तो ये थी यहाँ पर ताहिला मैगरा, इनको आपको अपने टीम में लॉक कर लेना है सीधे सीधे। अब देखिए लॉक आपको उन प्लेयर्स को करना होता है जो आपके लिए मस्ट हैव कैटेगरी के होते हैं, आप उन्हें किसी भी हालत में अपनी टीम से छोड़ नहीं सकते। और कुछ प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, सिचुएशनल होंगे, उन्हें आपको प्रिफर्ड में डालना है। कुछ प्लेयर ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहिए आपको अपने टीम में, उन्हें आपको एक्सक्लूड कर देना है। नीचे आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है टीम हेड टू हेड का, इसमें इंग्लैंड वुमेन्स के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, यानी आप स्पेसिफिक टीम के सामने ही रिकॉर्ड देख सकते हो। तो देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका कह क्या रहा है, हमें इन्होंने टोटल 3 मैचेस खेलिए, 3 में से 1 मैच तो बिल्कुल ये यहाँ पर फ्लैट गई है, लेकिन बाकी के 2 मैचेस इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। एक मैच में तो 217 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे इन्होंने, देखो T20 मैच था ये और इसमें 217 फैंटेसी पॉइंट्स इन्होंने दिए थे। परफॉर्मेंस देख लेते थे क्या किया था इन्होंने कि 217 फैंटेसी पॉइंट्स इनके हो गए थे। पहले तो 91 रन बनाए थे, ठीक है, इसमें भी 80 185 का इनका स्ट्राइक रेट था और +3 विकेट्स भी निकाले थे, ठीक है। तो देखो इंग्लैंड वुमेन्स की टीम इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ताहिला मैकरथ को, और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी यहाँ पर कर रखा है। अब एक मैच में इन्होंने 91 फैंटेसी पॉइंट्स भी दिए हैं, तो देखो आप इन्हें कैप्टनसी भी दे सकते हो अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हो तो। बाकी लोग तो यहाँ पर सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाएंगे जिसमें ताहिला मैकरथ का भी नाम आ जाता है। तो वेन्यू देख लेते एक बार, तो ओवल के इस केनिंगटन ओवल के वेन्यू पे कोई मैच नहीं खेली अपना, खेलती तो इनका रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मिल जाता। बाय फॉर्मेट में अगर आप इनका T20 का रिकॉर्ड देखोगे तो देखो ताहिला मैकरथ 2023 में टोटल 20 मैचेस खेल चुकी है, 24 का इनका यहाँ पर एवरेज होता है, 144 का स्ट्राइक रेट होता है, ठीक है। तो अच्छा है एवरेज भी, स्ट्राइक रेट भी, प्लस बॉलिंग से भी आपको कंट्रीब्यूट करके देंगी, आप देख सकते हो। बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं करी इन्होंने, 20 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स से और 17 ओवर्स डालिए, लेकिन ताहिला मैकरथ बॉलिंग भी करा के जाती है, खास करके डोमेस्टिक मैचेस में इनको ज़्यादा बॉलिंग मिलती है। इंटरनेशनल मैचेस में थोड़े से इनके ओवर जो है ना वो कट जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, लेकिन बैटिंग से फिर भी ताहिला मैकरथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। बेथमुनी, एमी जोन्स, जेस जोनसन, सोफिया डंकली, इनके नीचे की प्लेयर्स से अगर आप इनको भी एक्सप्लोर करना है तो आप परफेक्ट लाइनअप पे पावर रैंकिंग फीचर पर आकर इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हमने कुछ प्लेयर्स को ऑलरेडी देख रखा था, उनका पूरा डेटा पूरा एनालिसिस करके, और उन्हें हमने अपनी टीम में यहाँ पर सिलेक्ट भी किया है। तो आप देख सकते हो कौन कौन से प्लेयर सिलेक्ट करें हमने, बेथमुनी को किया है, एमी जोन्स,
जिस जोनासन, सोफिया डंकली, सोफी कलस्टोन, सारा ग्लेन, मेगन शर्ट, एशली गार्डनर, लॉरेन बेल, हिदर नाइट, एलिसा हेली, निटा स्कीवर, ठीक है। नीचे डैनियल वेट को कराए क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर से पावर रैंकिंग से हमारे लिए। अब हम चलते हैं कस्टम टीम बिल्डर के ऊपर। देखो कस्टम टीम बिल्डर के ऊपर आप अपनी जो ग्रैंड लीग की टीम से वो कम से कम समय में लॉजिकल वे में बना सकते हो। अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। देखिए आमतौर पे आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट टीम स्कोर का मिलता है। इसमें आप फैंटेसी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करिए जिस पर आप खेल रहे हो, कोई भी एक कर सकते हो आप। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है आपके पास, हमने यहाँ पर एक कर लिया है। उसके बाद क्रिएट टीम्स ऑन डिफरेंट बेसिस, कोई सा भी एक बेसिस सिलेक्ट कर लो। परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन, सिलेक्शन परसेंटेज, रिसेंट परफॉर्मेंस और ड्रीम टीम अपीयरेंस, ये चार बेसिस होते हैं। इसमें देखो परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन पे आपको वेरियस फैक्टर्स में ध्यान में रख के आपको टीम मिलती है, बैलेंस टीम। उसके बाद आप सिर्फ रिसेंट परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज रखना चाहते हो तो आपको इस ऑप्शन के साथ जाना है। सॉरी, सिलेक्शन परसेंटेज को अगर आप प्रायोरिटाइज रखना चाहते हो तो ये रिसेंट परफॉर्मेंस का है। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी देखी जाती है प्लेयर्स की। अगर मान लो कोई प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्मर है तो उनके बेसिस पे अगर आपको टीम बनानी है तो इस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। बाकी नंबर ऑफ टीम्स आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे आप जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है उन्हें आपको अपने टीम में सिलेक्ट करते चलना है, ठीक है। और बाकी कुछ मस्ट हैव कैटेगरी के प्लेयर है जैसे हमने देखा था, उनको आपको अपने टीम में लॉक कर लेना है। और बाकी के प्लेयर्स को आपको अपने टीम से हटा देना है अगर उनका रिकॉर्ड आपको अच्छा ना लगे तो। नीचे आप जनरेट टीम के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो टीम्स है वो बन के आ जाएंगी। तो कुछ टीम्स यहाँ पर हमारे सामने बनी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो विकेटकीपिंग सेक्शन में एलिसा हेली है, जो बैटिंग सेक्शन है इसमें सोफिया डंकली, हिदर नाइट और ताहिला मैगराथ को हमने अपने टीम में रखा है। जो हमारा ऑलराउंडर सेक्शन है इसमें नेटल स्कीवर और एशले गार्डनर, ये दो ऑलराउंडर रहेंगी। और बॉलिंग सेक्शन में सारा ग्लेन, जेस जोनासन, मेगन शर्ट, लॉरेन बेल और जॉर्जिया वेहराम का नाम आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी एक टीम है, ये सेकंड टीम है। इसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में एलिसा हेली, बैटिंग सेक्शन में सोफिया डंकली, हिदर नाइट, ताहिला मैगराथ, ग्रेस हैरिस। जो ऑलराउंडर सेक्शन है इसमें नेटल स्कीवर, एशले गार्डनर। और बॉलिंग सेक्शन में सारा ग्लेन, जेस जोनासन, मेगन शर्ट और लॉरेन बेल का नाम आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर और भी टीम से आप इन्हें देख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप इनका, ठीक है। अब ये फाइनल टीम्स नहीं है। फाइनल टीम आपको कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपको परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पर। टॉस के बाद आपको यहाँ पर आना है, जो भी अपडेट्स है उनमें आप यहाँ पर ध्यान में रखते हो अपनी टीम खुद क्रिएट कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपको परफेक्ट लाइनअप भी कुछ टीम्स प्रोवाइड कर देते हैं ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग की, ठीक है। बाकी देखो आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो इसे आपको लाइक जरूर कर देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।